बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये जो फ़ोन पे, भारत पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी कंपनीज हैं, यूपीआई कंपनीज, ये पैसा कैसे कमाती हैं। तो पहले क्या होता था, ये 2% दुकानदार से काटती थी, यानी कि 1,000 रुपये की अगर दुकानदार के दिन की सेल हुई तो 2% यानी कि 20 रुपये कंपनी अपने पास रख लेती थी। लेकिन यार FMCG सेक्टर जो शॉपकीपर है वो 5% पे खेलता है, 2% भी UPI कंपनी रखेंगी तो शॉपकीपर का बचेगा क्या। तो आजकल क्या रहता है, ये कंपनीज लोन भी प्रोवाइड करती हैं शॉपकीपर्स को, और जो इनका इंटरेस्ट है वो इनका रेवेन्यू बन जाता है। हालांकि कंपनीज अभी लॉस खा रही हैं, ये वेट कर रही हैं कि या तो इन्हें कोई एक्वायर कर ले यानी कि ख़रीद ले, या फिर ये कंपनी वेट कर रही हैं कि बाकी सारी जो कंपनीज़ हैं वो बिज़नेस से रन आउट हो जाएँ, पैसा ख़त्म हो जाए उनके पास, और फिर वो मोनोपोली करके फिर थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू कर दें।